यूपी के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की सियासत पर जैसे काले बादल छाए हैं। पहले तो जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ने से मना करते हुए अपनी जगह अपने बेटे अब्बास अंसारी को उतारने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब खबर है कि अब्बास अंसारी पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं और इसी वजह से उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मुख्तार अंसारी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर चुनाव आयोग को छानबीन में ये आरोप सही लगते हैं तो आयोग अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। दरअसल अब्बास अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस को लेकर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है, इसीलिए अब उनके हलफनामे पर सवाल उठ रहे हैं। अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कराया है। उनके पिता मुख्तार अंसारी इस सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है। अपना पर्चा दाखिल करने के साथ ही अब्बास अंसारी ने हलफनामा भी दाखिल किया था। इसमें उन्होंने लाइसेंसी असलहे को लेकर भी जानकारी दी है। अब्बास अंसारी ने नई दिल्ली से शस्त्र लाइसेंस लिया था। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया है, जबकि असल तथ्य यह है कि अब्बास अंसारी का शस्त्र लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने निरस्त किया था। इसके अलावा अब्बास पर लखनऊ के महानगर थाने में FIR भी दर्ज है। STF इस मामले की भी जांच कर रहा है। गौरतलब है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने को कहा था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्तार अंसारी ने राजनीति से संन्यास लेते हुए अपना टिकट अपने बेटे अब्बास अंसारी को दे दिया। फिर ओम प्रकाश राजभर ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया। राजभर और अखिलेश यादव इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब्बास अंसारी ने इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर साल 2017 में घोसी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब उन्हें भाजपा के कद्दावर नेता फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। अब्बास अंसारी निशानेबाजी के शौकीन हैं और चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास अलग अलग किस्म के असलहों के अलावा करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति है, लेकिन अब गलत जानकारी की वजह से उन पर चुनाव न लड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।